हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साउंड टेक चैनल और मैं हूं आपका दोस्त के। दोस्तों, ये स्टूडियो मेकर का 100 वाट का पावर एम्पलीफायर है। इस पावर एम्पलीफायर में 5 माइक लग जाते हैं और ये सिंगल जोन एम्पलीफायर है। इसमें एक ही मास्टर होता है, उसके साथ बेस और ट्रेबल होता है। ये इसका पावर ऑन ऑफ स्विच है। और अभी हमने एक नंबर माइक सॉकेट में माइक को लगाया है। ये इसका वॉल्यूम है और अब दूसरा वॉल्यूम चेक करा रहे हैं आपको। इस पावर एम्पलीफायर का मॉडल नंबर है SSB 100EM। ये एम्पलीफायर करीब 4600-4700 के आसपास आता है। अगर इसकी बॉडी और इसके अंदर जो मटेरियल हैं उनकी बात करें तो बहुत ही मजबूत बॉडी है इसकी। स्टूडियो मेकर के मैंने कई वीडियो डाले हैं, इसके जो अंदर के मटेरियल हैं मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। पहले आपको बैक साइड पे दिखा दें। यहाँ 12 वोल्ट बैटरी से चलाने के लिए स्ट्रिप लगी है। आप देख रहे हैं 2 एम्पियर का फ्यूज होल्डर है और इस ब्लैक स्ट्रिप जो बैटरी वाली है के साथ ही कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट है। उसके बाद ब्लैक स्ट्रिप है जिसपे कॉमन 4 ओम 8 ओम 16 ओम है। उसके साथ ही प्री आउट और AUX 1 AUX 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक यूनिट डालनी है तो कॉमन 16 ओम पे, 2 यूनिट डालनी है तो कॉमन 8 ओम पे, और 4 यूनिट तो इस पर नहीं डाली जा सकती, लेकिन थोड़े थोड़े वाट की हों तो डाली भी जा सकती हैं कॉमन 4 ओम पे। और कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट का प्रयोग लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर वाली ड्राइवर यूनिट या साउंड बॉक्स के लिए होता है। अब आपको दिखा देते हैं इसकी का हिस्सा। ये आप देख रहे हैं इसमें जो रजिस्टर है इसके ट्रांजिस्टर के एमीटर पर, जो कि 3773 होते हैं ट्रांजिस्टर, काफ़ी उम्दा क्वालिटी की लगी है। और ये इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर है। इसकी कोर वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरी है और मजबूत है। ये इसका मेन पावर ट्रांसफार्मर है जो इन सबको सप्लाई देता है। इसके अलावा बाकी के जो बोर्ड्स और पार्ट्स हैं वो सब ठीक ठाक लगे हैं। तो इसके बाकी मॉडल की अपेक्षा इस मॉडल में जो मटेरियल लगा है वो अच्छा लगा है। ये इसके फिल्टर कंडेंसर वगैरह हैं, ये भी ठीक ठाक हैं। ये बिल्कुल आहूजा की तर्ज पे बना है। ड्राइवर बोर्ड वगैरह आप देख रहे हैं और ये आउटपुट इसके जो बोल्ट वगैरह हैं नीचे प्लेट लगा के उस पर फिट किया गया है। तो ये हीट सिंक है ड्राइवर बोर्ड का जो ट्रांजिस्टर होता है 4007 उसके लिए। और ये इनपुट के जो माइक वाले बोर्ड हैं आप देख रहे हैं, इसके स्क्रू वगैरह भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आहूजा में लगते हैं। तो आपको ऑक्स 2 पे लगा के आपको चला के दिखाते हैं। ये दोनों ऑक्स आप यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम इसका मैं बाहर से आपको बाद में चेक कराऊंगा, आपको इनपुट पहले दिखा दे रहा हूँ। ये ऑक्स 1 है अभी जिस पे लगाया है और ये ऑक्स 2 है। इन दोनों के लिए बाहर वॉल्यूम लगा है और वही वॉल्यूम माइक के लिए और ऑक्स के लिए दोनों के लिए काम करता है। तो ये है ऑक्स का वॉल्यूम और ये है नीचे सिलेक्टर स्विच। इसको दाहिनी तरफ करके ये ऑक्स से जुड़ जाता है और बाईं तरफ करके ये माइक से जुड़ जाता है। और ये है इसका ट्रेबल, ये बेस है इसका, इससे आवाज़ में भारी बनाता है। और ये तीखापन के लिए ट्रेबल होता है। ये इसका मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल है। तो ये तो था ऑक्स 1 और इसके बाद आपको ऑक्स 2 भी चेक करा देते हैं। ये ऑक्स 2 है, यहाँ पर आप दोनों ऑक्स में से दोनों ऑक्स एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था स्टूडियो मेकर का 100 वाट का पावर एम्पलीफायर। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।